रीवा के मार्तन स्कूल में एसके स्कूल की लड़कियों को खराब साइकिल वितरित की गई। प्रशासन अब जांच कराकर कार्रवाई की बात कह रहा है। किसी का टायर खराब तो किसी की ट्यूब, लड़कियां पैदल लेकर गई साइकिल। रीवा के मार्तंड स्कूल में एसके स्कूल की लड़कियों को खराब साइकिल वितरित की गई। प्रशासन अब जांच कराकर कार्रवाई की बात कह रहा है। किसी का टायर खराब तो किसी की ट्यूब, लड़कियां पैदल लेकर गईं साइकिल। जबकि नियम साफ तौर से है, लड़कियों को बेहतर तरीके से साइकिल दी जाएगी। लड़कियां जहां उप साइकिल वितरित की जा रही वहां से अपने स्कूल अपने घर साइकिल चलाकर ही जाएंगी। रीवा के मार्तंड स्कूल में स्कूली बच्चों को खराब साइकिल वितरित की गई। प्रशासन अब जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रहा है। अरसे बाद बच्चों को साइकिल मिली, वह भी किसी काम की नहीं। किसी साइकिल में टायर खराब तो किसी में ट्यूब, किसी में हवा नहीं तो किसी में चैन खराब, किसी में कोई समस्या तो किसी में कोई। आम तौर पर स्कूल जाने के लिए बच्चों को अगर साइकिल मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई दूसरी नहीं होती। लेकिन साइकिल मिलने के बाद भी बच्चों के चेहरे पर चमक नहीं आई। साफ तौर से माना जा सकता है कहीं कोई गड़बड़ी शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच थी, कोई साठगांठ थी जिसकी कलई आज जैसे ही साइकिल वितरित की गई वैसे ही खुल गई। अब प्रशासन जांच कराकर कार्रवाई की बात कह रहा है। उसका कहना है कि आपने जो हमें वीडियो दिखाई इसके आधार पर हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। साइकिल वितरण ने, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ तौर से देख सकते हैं, किसी तरह से छात्राओं को साइकिल के नाम से ठगा गया। मार्तंड स्कूल से अपने एसके स्कूल कैसे टूटी हुई साइकिल लेकर छात्राएं पहुंची? पैदल साइकिल लेकर जाती लड़कियां शासन के उस दावे की पोल खोल रही जिसमें साफ तौर से कहा गया था साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट करके बच्चों को दी जाएगी। हमने कुछ लड़कियों, टीचरों, रीवा के एडीएम सैलेन सिंह से बात की। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आपको मार्टिन क्लास 3 में। कहाँ पढ़ते हो आप? एसके स्कूल में। ये रहती कहाँ हो आप? रैंकलो। ये मार्टिन 3 में मिली आपको साइकिल में हवा है आपके? नहीं। तो यहाँ से आप कैसे लेके जा रहे हो साइकिल को? अभी ले जाएंगे स्कूल में, सर बनवा के देंगे। कौन बनवा के देगा? यहाँ से आप लोग धनकाते खिसकाते हुए लेके जाओगे? नहीं, जो है मैंने उनको बोला है बच्चों को जो भी इसमें छोटी मोटी कमियां हैं अब स्कूल की तरफ से सुधरवाने का प्रयास किया जाएगा और डीओ साहब ने भी यही निर्देश दिया हुआ है। बाकी साइकिल रखने का उठाने का सारी जवाबदारी उनका है। जो साइकिल मिली अपने को वो अपन उनको दे रहे हैं बच्चों को। मैंने कहा है कि छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको यहाँ पे सामने साइकिल। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर कोई भी साइकिल, सभी साइकिलें वो हैं, हर किसी भी साइकिल मतलब एक भी टायर में हवा नहीं है। ये बच्चियों का भी कहना है कि किसी भी साइकिल में हवा नहीं है, चैन उतरी हुई है, चैन उतरी है, वहाँ से ढंगाते हुए लाई हैं, क्या मानते हैं? उसके लिए सर वहाँ से व्यवस्था नहीं की गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मार्जिन कमांग 3 में। आपको साइकिल मिली है? यस सर। साइकिल में कमी क्या क्या है? जाली वाली टूटी है और साइकिल में चैन बड़ा, चैन नहीं है, हवा है नहीं। आप वहाँ से ढंगाते हुए साइकिल लाए हो? देखिए, ये तथ्य आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आए कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा साइकिल वितरण में साइकिलों को ठीक ढंग से रख के उनको नहीं दिया गया है। आप वीडियो वगैरह भी आप लोग जो दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे जी हैं, वो उसकी जाँच करेंगे और यदि उसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है और आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत सही है तो संबंधित प्राचार्य हैं उनके खिलाफ़ और ये जो साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। सामाजिक योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। यदि कोई इसमें किसी ने संगति की है उसको समझ कार्रवाई की जाएगी।